हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी एग्जाम मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, जो हम सीजीएल प्री 2022 के पेपर का सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, उस सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं। और आज के इस लेक्चर में हम देखिए 3 दिसंबर 2022 को जो थर्ड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम देखिए आपका 1 दिसंबर 2 दिसंबर की कंप्लीट चारों चारों शिफ्ट का हम कंप्लीट सॉल्यूशन कर चुके हैं और 3 दिसंबर की हम पहली दो शिफ्ट का सॉल्यूशन डिस्कस कर चुके हैं। तो आज थर्ड शिफ्ट का हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे होंगे। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ आपको समझाया जा रहा है पूरा सॉल्यूशन, जो कि आपके लिए सीजीएल और सीएचएसएल में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो आप अपनी कंटिन्यूटी बना के रखिए और आप इस सीरीज को कंप्लीट देखने के बाद डेफिनेटली एक विश्वास पाएंगे अपने अंदर। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे और कॉन्सेप्ट अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो मैं हर लेक्चर में आपसे बोलता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ज्यादा से ज्यादा लोग तभी जुड़ पाएंगे जब आप शेयर करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हम 3 दिसंबर 2022 को जो थर्ड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसको डिस्कस करने वाले हैं और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज थ्राइस ऑफ इट्स हाइट। ठीक है, द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 2.1। देखिए हाइट गिवन है आपको 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसके, 3 गुना। ठीक है, इसकी 3 गुना कितनी हो जाएगी, 6.3। ठीक है, क्या कह रहा है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो वॉल्यूम निकालना है आपको। तो वॉल्यूम कैसे निकाल पाएंगे, वॉल्यूम होता है हमारा पाई आर स्क्वायर इनटू मैच, तो पाई का मान 22/7, आर की जगह पर 6.3 इनटू में 6.3 इनटू में हाइट की जगह पर 2.1। ठीक है, बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 7 से कटेगा, 7 21.3 टाइम्स। ठीक है, तो सबसे पहले आप इनका मल्टीप्लाई करिए, 6.3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा, देखिए 3 3 9, 6 8 2 36, 3 6 36 और 3 39, 39.69 बनेगा इंटू में 22 3 66। ठीक है, इंटू में 66 तो बनेगा 6 9 54, 5 6 36 और 5 41, 4 6 9 54 और 4 58, हासिल का 5 और 6 3 18 और 5 23। ठीक, फिर आप 6 से इतना ही रख दीजिए, 4 1 8 3 2। ठीक, तो ये 4 और ये 4 और 1 5, 8 और 1 9, 8 और 3 11। ठीक है, 3 और 2 5 और 1 6 और 2। और देखिए ये आपका यहाँ 2, यहाँ हमने किया था 2 के बाद और फिर हमने यहाँ 0.3 से इसमें किया था तो ये 6.6 बना, तो यानी कि 3 के बाद पॉइंट लगेगा आपका, तो 261.954, तो 261.95 तक गिवन है, तो ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। ठीक है, ना आप अप्रोक्सीमेशन लगा सकते थे ना आप मल्टीपल देख के भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ कंप्लीट नहीं लिखा था, केवल 2 डिजिट तक लिखा था, और जबकि हम यहाँ देख सकते हैं क्लियर हमारा 1 2 3 के बाद पॉइंट लगना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, 5 men and 8 women किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, तो लिख लीजिए 5 men प्लस में 8 women कितने दिनों में कर सकते हैं, 12 दिनों में। ठीक है, ये मेरा टोटल वर्क हो गया। ठीक है, और सेम 3 आदमी और 7 औरत है, 3 men plus 7 women कितने दिनों में कर सकते हैं, ये 15 दिनों में, तो ये भी आपका टोटल वर्क है और मैंने दोनों को बराबर रख दिया। ठीक है, अब देखिए काट लीजिए 3 से 4 बार और 3 से 5 बार। अब देखिए अब मैं आपको सॉल्व करना बताता हूं इस तरीके से आप कैसे कर पाएंगे। 4 5 20 और 5 3 15 डिफरेंस लीजिए 5 men। ठीक है, और 4 8 32 और 7 5 35 डिफरेंस आएगा 35 और 32 का, 3 women, तो यहां से मैन और वुमेन का आप डायरेक्टली रेशियो निकाल सकते हो कितना, 3/5। ठीक है, अब चाहे आप इनकी वैल्यूज इसमें पुट कर दीजिए तो भी ये टोटल वर्क है, इसमें पुट करेंगे तो भी सेम आएगा, टोटल वर्क ही है। ठीक है, तो मैं इसमें पुट करता हूं तो मेरा टोटल वर्क कितना आ जाएगा, टोटल वर्क आएगा हमारा 5 3 15 + 5 8 40 3 5 15 और 5 8 40 और इनटू में 12। ठीक है, तो बनेगा आपका 55 इनटू में 12।
ठीक है, ये आ गया मेरा टोटल वर्क। अब क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी डेज विल द 11 वुमेन कैन कंप्लीट द वर्क। देखिए टोटल वर्क है आपका 11 वुमेन से करवाना है, टोटल वर्क है आपका 55 इंटू में 12, और 11 वुमेन, वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 5, ठीक है, तो 11 इंटू में 5, तो आपका 55 से 55 कट जाएगा, ठीक है, ये आपका 55 से 55 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 12 दिन, ठीक है, ऑप्शन वन। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ये डेली वेजेस ऑफ 50 इंप्लॉयज, देखिए ये 50 इंप्लॉयज ऑफ ए कंपनी शोन इन द फिगर, तो टेबल में आपको दिखाया गया, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। अब देखिए द एवरेज वेज, एवरेज वेज, एवरेज वेज और एवरेज वेज, सब में एवरेज वेज पूछा है, तो ये है डेली वेजेस का इंटरवल और ये है इनका नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यानी कि उनकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो अगर हम पहला ऑप्शन पढ़ते हैं तो द एवरेज वेज ऑफ द एम्प्लॉयज लाई बिटवीन 80 एंड 90, ठीक है, तो देखिए एवरेज वेज ऑफ द एम्प्लॉयज लाई बिटवीन, देखिए सबसे पहले 80 से शुरुआत हो रही है और लास्ट में कितना है 130, तो इन दोनों का अगर मैं एवरेज निकालता हूं तो 13 और 8 21 यानी कि 210 अपॉन में 2 कितना बनेगा मेरा 105, तो यानी 105 किस किस के बीच में लाई करता, 80 90 के बीच में नहीं है, 110 और 120 के बीच में नहीं है, 90 और 100 के बीच में नहीं है, तो 100 और 110 के बीच में 105, ये मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, देखिए के कॉट स्क्वायर 30, के मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं इसमें से, ठीक है, तो 1 माइनस में कॉट 30 की वैल्यू होती है √3, स्क्वायर करेंगे तो 3 अपॉन में 1 प्लस में कॉट स्क्वायर 30, देखिए कितना होता है कोसेक 30, सॉरी हाँ कोसेक 30 होता है, तो या फिर आप ऐसे करिए वैल्यू पुट कर लीजिए, 1 प्लस में कॉट 30 की वैल्यू √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, तो ये बनेगा 2 माइनस 2, तो ये कटेगा कितना आ जाएगा -k/2, ठीक बराबर। राइट साइड में देखिए sin 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2, स्क्वायर करेंगे तो 3/4, प्लस में 4 इंटू में 10 45 की 1 होती है, तो 1 को 1 गुना करेंगे तो 4 ही रहेगा, माइनस में कोसेक 60, देखिए sin 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा 4 अपॉन में 3, ठीक है, यहां आप देखिए sin 60 का उल्टा ही तो है कोसेक 60, तो यहाँ 3 अपॉन 4 तो यहाँ 4 अपॉन 3। अब एक काम करिए बराबर आप इक्वेट कर लेंगे तो दोनों तरफ एलसीएम ले लीजिए, मैंने 12 ले लिया, ठीक है, अब देखिए आपका 2 छक्के 12 माइनस का 6 के बराबर, 4 तिया 12 3 तिया 9 प्लस में 12 चौक 48 माइनस में 3 चौक 12 4 चौक 16, ठीक है, 48 में से 16 जाएगा तो 32 32 और 9 41, तो मैं कह सकता हूं मेरा आ जाएगा 6 के माइनस 6 के बराबर 41, तो के की वैल्यू माइनस में आएगी कितनी 6 छिंग 36, ठीक है, बचे इतने आपके 5 6 8 48, 6 3 18, -6.83 ऑप्शन 2, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक आदमी एक वॉच खरीदता है 12% के डिस्काउंट पर, ठीक है, अगर इसने 24% के डिस्काउंट पर खरीदी होती तो उसको 24 रुपये वुड हैव गॉट दी वॉच 4 रुपये, यानी 2400 रुपये कम देने पड़ते द मार्क प्राइस ऑफ दी वॉच। आप मुझे बताइए 12% का डिस्काउंट उसने ज्यादा, भाई 24% दिए तभी तो उसको, भाई 12 से 12% ज्यादा दिए तभी तो उसने 2400 रुपये ज्यादा दिए, अगर वो 12% का 12 ही देता तो वो 2400 कम देता, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 2400 है ये आपकी 12% की वैल्यू है और आपको निकाली है एमआरपी यानी कि 100% की वैल्यू, तो 12 दूनी 24, तो 200 आपका कितना आ जाएगा, देखिए 20,000 आंसर आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं, दी प्राइस ऑफ साल्ट डिक्रीज बाई 20%, अगर प्राइस 20% का मतलब होता है 1/5 यानी 5 से 4 हो गया, बाई व्हाट परसेंट शुड द कंजप्शन बी इंक्रीज टू कीप द एक्सपेंडिचर, तो कंजप्शन आपको कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है, तो आपका कंजप्शन आपको 4 से 5 करना पड़ेगा, ठीक है, तो यानी कि 4 से 5 यानी 1 की बढ़त करनी पड़ेगी, कितने पर 4 पर, तो 100 पर कितनी परसेंटेज के लिए, या फिर आप ऐसे कह सकते थे कि 1/4 की वैल्यू 1/4 25% के बराबर होता है, ऑप्शन 3 आंसर हो जाएगा, इजी से क्वेश्चन था, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक सॉलिड कॉपर है स्फीयर, एक सॉलिड कॉपर
कॉपर स्फीयर है, कॉपर का बना हुआ एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस 9 है, इज हैमर्ड और उसको माउंट किया गया है एक वायर में। वायर क्या होती है कि एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, सिलेंड्रिकल फॉर्म ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस वायर, यानी कि इसकी हाइट निकालनी है, ठीक है। तो दोनों का भाई एक आकृति को जब दूसरे में आप मोल्ड कर रहे हो तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होता है, मैं आपको बता चुका हूं। सो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 πr³, आर की वैल्यू आपकी 9 × 9 × 9, ठीक है, और इसका होता है आपका सिलेंडर का πr², आर की वैल्यू यहां 2 है, इंटू में हाइट आपको निकालनी है, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो कितना बनेगा, देखिए पाई से तो आपका पाई कट जाएगा, ठीक है, और 2 × 2 = 4 से 4 कट जाएगा, और 3 से कटेगा 3 बार, तो 9 × 9 = 81, तो 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24, तो 243 आ जाएगी आपकी हाइट या लेंथ, ऑप्शन 4 आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, विच स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ 9 and 13 सो दैट 18 इज दी थर्ड प्रोपोर्शन टू देम। अगर इनका थर्ड प्रोपोर्शन आपको 18 लाना है तो आप एक काम करिए, देखिए आपकी दो संख्याएं 9 है, इसमें से आपको कुछ घटाना है और इसमें से 13 में से आपको कुछ घटाना है, फिर उनका थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। तो आप ऑप्शन देखिए, छोटे छोटे ऑप्शन है, ऑप्शन ले लीजिए। अगर मैं देखिए आपको चार ऑप्शन को चेक करके बता देता हूँ किस तरीके से आप जल्दी कर पाएंगे। तो देखिए, अगर आप 9 में से 2 घटाते हो तो 7 और 13 में से 2 घटाते हो तो 11, तो 11 × 11 / 7, तो 7 से 11 कटेगा ही नहीं, तो ये पहला ऑप्शन तो मेरा कट जाएगा। 4 आप देखेंगे तो 7 में से 4 गए तो 3, ठीक है, और 13 में से 4 गए तो 9, तो 9 × 9 / 3, तो 3 × 9 = 27 आ रहा है, जबकि आना है 18, ये भी कट गया। 3 देखते हैं तो 7 में से 3 गए तो 4 और 13 में से 4 गए तो 9, ठीक है, तो 9 × 9 / 4, 4 9 से कटेगा ही नहीं, 9 4 से कटेगा ही नहीं, इसलिए ये ऑप्शन भी कट गया। एक ऑप्शन चेक करिए, तो देखिए 9 में से 1 गया तो 8 आया और 13 में से 1 गया तो 12 है। अब इनका आप थर्ड प्रोपोर्शनल निकालते हो तो 12 × 12 / 8, तो 4 × 2 = 8, 4 3 = 12 और 2 × 6 = 18, बिल्कुल सेट हो रहा है, इसलिए मेरा चौथा ऑप्शन सही सही हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, आप ऑप्शन से कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, कंपनी ने 700 लोग एम्प्लॉय किए, 700 आदमी और 300 औरत, ठीक है, और उनकी एवरेज वेज था 450 पर डे, ठीक है। ए मैन गॉट रुपए 50 मोर देन ए वुमेन देन द डेली वेज ऑफ द वुमेन इज। देखिए इसके कई तरीके हो सकते हैं, मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, ठीक है। मैं मान लेता हूं भाई मैन और वेमेन, ठीक है। अब कह रहा है मैन, यहां पूछा है कि जो वेमेन का डेली वेज कितना था, तो मैंने मान लिया एक्स, और यहां कह रहा है कि मैन ने 50 रुपए ज्यादा, जो 50 रुपए का वेज ज्यादा प्राप्त किया मैन ने, तो इसका मतलब एक्स प्लस में 50, ठीक है, और ये संख्याएं हैं इनकी, तो 700 और 300, यानी कि ये यहां रेशियो में आती है हमारी 700 और 300, ठीक है, या फिर आप इनको 7:3 लिख सकते हो, ठीक ठीक है। अब आपको एक चीज बड़ा ध्यान रखनी है, क्या कि ये जो रेशियो होता है ना, ये जो रेशियो होता है ये आपका इन दोनों का डिफरेंस ही होता है, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 50, तो ये इन दोनों का डिफरेंस ही इस रेशियो में बढ़ता है, तो यानी कि इनका डिफरेंस 50, तो मैं कह सकता हूं कि 10 की वैल्यू 50 है 5 गुना, ठीक है, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35 5 गुना, और 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 गुना आपकी 3 × 5 = 15, ठीक ठीक है। और देखिए आपको टोटल जो एवरेज वेज गिवन है वो है 450, तो मैंने यहाँ 450 लिख दिया, ठीक ठीक है। अब देखिए बड़ा ध्यान से समझते हुए चलेंगे, अब मैं यहां मेरे को 35 लाना है, ठीक है, यहां मेरे को 35 लाना और यहां मेरे को 15 लाना है, तो अगर मैं यहां से 400, यहां 465 लेता हूं, ठीक है, 465 में से 450 गए तो आपका 15 आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे को इसमें से कुछ घटा के ये लाना है, तो 450 में से क्या घटाऊं कि 35 आ जाए, तो इसका मतलब मुझे 415 घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो क्लियरली, आपसे
यही वैल्यू पूछी थी वेमेन वाली एक्स जो हमने मानी थी, तो आपका आंसर होगा 415 ऑप्शन 3। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा कॉन्सेप्ट से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए बी सी आर दी थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। भाई त्रिभुज ए बी सी के तीन एंगल्स आपको गिवन है, जिसमें से ए माइनस बी 45, मैं लिख देता हूं ए माइनस बी बराबर 45, बी माइनस सी 15 है, और मैं इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों को जोड़ देता हूं, तो देखिए बी से बी कट जाएगा, तो ए माइनस सी बचेगा। ए माइनस सी ये कब आया, जब मैंने दोनों को जोड़ा है, तो 45 और 15 60। ठीक है, अब देखिए मेरे को पता है ए प्लस बी प्लस सी त्रिभुज के तीन एंगल्स का सम 180 होता है। ठीक है, अब मेरे को वैल्यू चाहिए ए की। ठीक है, ए की वैल्यू आप कैसे निकाल पाएंगे मुझे बताइए। भाई ए की वैल्यू आप इस तरीके से निकाल सकते हो कि आपको यहां बी की जगह पर ए की टर्म में निकाल लीजिए। बी की जगह पर आप क्या रख सकते हो, देखिए मैं एक करके बता देता हूं। ए माइनस बी बराबर 45 गिवन है, तो माइनस बी बराबर बनेगा आपका 45 माइनस में ए। ठीक है, तो बी बनेगा आपका ए माइनस 45, दोनों तरफ से माइनस कॉमन लेके, तो ए को ए रहने दीजिए, बी की जगह पर रखिए आप ए माइनस 45। ठीक है, और सी की जगह पर आप क्या रख सकते हो, भाई सी की जगह पर सेम आप रख सकते हो यहां से ए माइनस 60। ठीक है, ए माइनस 60, ठीक ठीक है, बराबर गिवन है आपको 180 के। ठीक है, अब देखिए आपका ए ए और ए 3a और 60 और 45 माइनस का 105 बराबर 180। ठीक है, तो 3a बराबर बनेगा आपका 285। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 3 × 9 = 27, 3 × 5 = 15, 95 डिग्री आपका आंसर होगा ऑप्शन 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 8a³ प्लस में 27b³ बराबर 16 है। एक्चुअल में ये क्या गिवन है आपको, ये गिवन है 2a³³ प्लस में 3b³³ बराबर 16 है। अब आपको पता होना चाहिए a³ प्लस b³ का फॉर्मूला क्या होता है, तो a³ प्लस b³ बराबर 16 है, तो a³ प्लस b³ बराबर a प्लस b की होल क्यूब। देखिए a प्लस b आपको ये गिवन है, तो 4³ = 64। ठीक है, माइनस में 3ab, a यानी कि 2a, b यानी कि 3b, इंटू में a प्लस b, और a प्लस b आपको गिवन है 4। ठीक है, ठीक है, तो 64, 16 में से 64 जाएगा, तो माइनस का 48 तो इधर आ जाएगा। ठीक है, बराबर 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, 24 × 3 = 72, माइनस का 72 ए बी। ठीक है, अब यहां से आप ए बी की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है ये ए बी है। ठीक है, तो यहां से माइनस से तो माइनस कटेगा, 24 × 2 = 48, 24 × 3 = 72, तो यानी कि ए बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2/3। ठीक ठीक है, आप देखिए आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है 16a⁴ प्लस में 81b⁴। ठीक है, तो आप इसका पहले होल स्क्वायर करिए, अगर आप इसका होल स्क्वायर करते हो दोनों तरफ, तो बनेगा आपका 4a² प्लस में 9b². ठीक है, प्लस में 2ab, तो यानी 2 × 2a इंटू में 3b। ठीक है, बराबर 4 × 16 है। ठीक, अब देखिए आपको ये वाली वैल्यू तो ऐसे ही रखनी है, ठीक है, इसी से आप ये निकालेंगे, तो यानी कि 4a² प्लस में 9b² 2ab, देखिए 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 12ab, तो प्लस में 12 इंटू में ab की जगह पर आप 2/3 रखिए। ठीक है, 3 × 12, 4 × 2 = 8, 8 × 16 = 8 जाएगा, तो 8 बचेगा, तो आपकी वैल्यू आई 4a² प्लस में 9b² बराबर 8। ठीक है, अब आप इसका दोबारा से होल स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ। ठीक, अब मैं आपको इधर समझाता हूं, ठीक है, बड़ा ध्यान से समझते चलिए। देखिए मैं इधर लिखता हूं 4a², इधर लिख देता हूं 4a² प्लस में 9b² बराबर गिवन है आपको 8, इसको भी होल स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ। ठीक है,
बनेगा आपका 4 चौक 16 ए की पावर 4 प्लस में 9 9 81 बी की पावर 4, यही आ गया जो आपको निकालना था। बिल्कुल ठीक है, प्लस में 2 × 4a² इंटू में 9b², ठीक है 2ab लिख दिया मैंने, और इधर आएगा 8 8 64। ठीक ठीक है, अब देखिए आपका ध्यान से समझिए क्या कह रहा है। देखिए आपका ये वैल्यू तो आपको निकालनी है, ठीक है, इसको तो एज इट इज रहने दीजिए। 16a² + 81b की पावर 4 प्लस में, देखिए 2 4 2 8, 8 9 72, 72 × में a² b², तो यहां से आप a² b² निकाल लीजिए दोनों तरफ होल स्क्वेयर करके, ये बनेगा 4/9। ठीक है, तो इंटू में 4/9। ठीक, इसको सॉल्व करिए तो आपका 9 8 72, ठीक है, और देखिए इसकी वैल्यू आपको निकालनी है तो 8 64 में या 8 चौक 32, 64 में से 32 जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 32। ठीक, ये आंसर होगा ऑप्शन 4। मैं उम्मीद करता हूं कि आप कॉन्सेप्ट समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ एक्सपोर्ट्स ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक्सपोर्ट कौन सा आया हमारा, ये ऑरेंज कलर का, तो इनका एवरेज निकालनी है हमें। तो देखिए 1650 और 1522 कितना हो गया, 1600 और 1500 3100, और 50 और 22 72, तो यानी कि 3172। ठीक है, अब देखिए 1240 और 1050, 1200 और 1000 यानी 2200, और 40 और 14 54, तो 2254। ठीक, प्लस में 825, इनको जोड़ लीजिए पहले। 4 और 2 6 और 5 11 का 1 हासिल 1, 7 5 12 2 14 और 1 15 का 5 हासिल 1, 1 और 2 3 और 8 11 और 1 12 का 2 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6, ये आ चुका है आपका 6251। ठीक है, एवरेज निकालनी है आपको, तो एवरेज में 5 से भाग दे दीजिए, तो देखिए आपका बन जाएगा 5 से काटिए, 5 एकम 5, ठीक है, बचा 1 5 दूनी 10, बचे 2, 5 पंजे 25, ठीक है, ना जाने की 0 और 5 दूनी 10, तो 1250.2 आपका आंसर होगा, ये रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है। द कॉस्ट प्राइस इज 72% ऑफ द सेलिंग प्राइस। अगर मैं सेलिंग प्राइस को 100 मान लेता हूं तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 72। ठीक है, और कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट। तो आपको परसेंटेज निकालनी है तो आप एक काम करिए, इनका रेशियो ही ले लीजिए सबसे बढ़िया। तो आप 4 से काटिए, 4 से 25 बार, और 4 से काटेंगे तो 18 चौक 72, तो 18 की चीज आपने 25 में बेची, कितने का प्रॉफिट हुआ, 7 का। ठीक है, तो 7 का प्रॉफिट हमेशा सीपी पर होता है, तो 18 पर वो होगा गुना में 100। ठीक है, गुना में 100, तो फिर काट लीजिए 9 से, फिर काटिए 50 से, तो कितना बनेगा आपका, 7 5 35 यानी 750/9, 9 चौक 36 यानी कि 40 से थोड़ा कम होगा, तो 40 से थोड़ा कम एक ही ऑप्शन है, देखिए ये रहा, ये आपका आंसर हो जाएगा, बाकी आप चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है। व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपए 15,750 एट 20% पर एनम इन 2 ईयर्स इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब देखिए मुझे बताइए, हाफ ईयरली में भाई अगर रेट आपका 20% 2 साल के लिए है तो 1 साल के लिए कितना हो जाएगा हाफ ईयरली, यानी कि 10%। ठीक है, और हाफ ईयरली यानी 6 6 महीने के 2 साल यानी 24 महीने में कितने साइकिल बनेंगे, ऑब्वियसली 4 बनेंगे। ठीक है, तो अब मेरे को अगर रेट 10% गिवन है तो देखिए इसके लिए आपको बेस्ट तरीका यही रहेगा कि आपको पता है 10% का मतलब होता है 1/10, इसका मतलब कोई धन पहली साल में 10 से 11 हुआ, ठीक है, दूसरी साल में भी 10 से 11 होगा, तीसरी साल में भी 10 से 11 होगा, और चौथी साल में भी 10 से 11 होगा। ठीक है, तो ये तो बनेगा आपका 1 2 3 4, और ये बनेगा आपका 11³ 1331 होता है, इंटू में 11 कर लीजिए, 11 एकम 11, हासिल का 1 11 33, 33 और 1 34, हासिल का 3, 11 33 और 3 36, हासिल का 3, 11 एकम 11 और 3 14, ये बनेगा आपका रेशियो में। ठीक है, ठीक है, अब आप ध्यान से समझिए और मुझे एक चीज बताइए कि भाई 10,000 रुपये आपका राशि थी और उस पर
इतने रुपए अमाउंट हो गया, ठीक है, तो ये प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो होता है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो आपको ब्याज कितना मिला? ऑब्वियसली आपका जो सीआई मिला है वो मिला है 4,641 रुपये, ठीक है। और देखिए आपको प्रिंसिपल कितना गिवन था, 15,750। तो मैं कह सकता हूं कि जो 15,750 वैल्यू है वो आपको 10,000 की वैल्यू है, ठीक है, आपको निकालनी है 4,641 की, ठीक। या फिर आप डायरेक्टली ये भी कर सकते थे कि आपको पता होना चाहिए कि 10% के रेट से 4 साल के लिए ये होता है 0. ये 46.41%, ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते थे। तो वो छोड़िए आप, अब इसको आप सॉल्व करिए, हमने जहां तक हम पढ़ चुके हैं उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए 1 0 से आपकी 1 0, 25 से काटिए, ठीक है, 25 से काटेंगे, 25 चौका 100 और 0, 25 से काटेंगे तो 25 छक्के 150 बचे 7, 25 75, ठीक, और आपका गुना कर लीजिए इनकी और 40 से भाग देंगे, तो देखिए 3 एकम, और तो कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है, देखिए क्योंकि ऑप्शंस नजदीक नजदीक है, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 छिंग 18 और 1 19, 3 चौक 12 और 1 13, 6 से करेंगे तो 6 एकम 6, 6 चौक 24, हासिल का 2, 6 छिंग 36 और 2 38, हासिल का 3, 6 छक 24 और 3 27, ठीक। तो आपका बनेगा ये 3 6 और 2 8 और 9 4, 9 4 13 और आपका 8 3 11 और 1 12, 27 28 और 1 29 अपॉन में 40। 0 को आप छोड़िए, पहले इसको देखिए, ठीक है, 4 से दीजिए, तो देखिए 4 7 अगर मैं इसको काटता हूं तो मेरा बन जाएगा, 4 से इसको काटते हैं तो 4 7 28, हाँ 4 7 28 बचा 1 4 3 12, ठीक है, तो ना जाने की 0 94 36 73 09, तो यहाँ 73 05 है, तो ये तो होगा नहीं, 73 09 इसी में है, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेटिव था थोड़ा। देखिए क्या कह रहे, एक पुलिसकर्मी 500 मीटर की दूरी पर एक चैन स्नेचर दिखाई देता है, ठीक है, देखिए मान लेते हैं ये 500 मीटर की दूरी पर एक चैन स्नेचर दिखाई दिया, ये डिस्टेंस है 500 मीटर, ठीक है, एक यहां एक पुलिसकर्मी है, इसको 500 मीटर की दूरी पर एक चैन स्नेचर दिखाई देता है, ठीक है, वह 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ रहे चैन स्नेचर का पीछा करना शुरू करता है, और जब पुलिसकर्मी 15 जबकि पुलिसकर्मी 15 मीटर पर सेकंड की चाल से उसका पीछा कर रहा है, ऑब्वियसली जब ज्यादा चाल से पीछा करेगा तभी उसको पकड़ पाएगा, ठीक है, तो यहां से ये चैन स्नेचर भागता है और यहां से ये पुलिसकर्मी भागता है, ठीक है, और इसकी स्पीड कितनी है भाई, 5 मीटर पर सेकंड, और इसकी कितनी है, 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, ध्यान से सोच के बताइए कि यार यहां से यहां तक जितनी देर में ये पहुंचा उतनी ही देर में यहां से यहां तक ये पुलिस वाला पहुंचा होगा, इसका मतलब इनको लगने वाला टाइम बराबर है, यहां से यहां तक पहुंचने में इसको जो टाइम लगा और यहां से यहां तक इसको पहुंचने में जो टाइम लगा वो टाइम बराबर है, ठीक है, उतना ही समय इसको यहां से यहां तक लगा है, उतना ही समय इसको यहां से यहां तक लगा है, और मेरे को पता है जब भी आपका टाइम सेम हो तो जो रेशियो स्पीड का होता है वही रेशियो आपका डिस्टेंस का होता है, तो स्पीड का रेशियो कितना है आपका, मैं पुलिस और चैन स्नेचर की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो इसकी स्पीड है 15 और इसकी स्पीड है कितनी, 5, ठीक है, तो डिस्टेंस का रेशियो भी आपका इतना ही होगा, कितना, ये आपका 15:5, 5 से काटिए, 5 3 15, 5 एकम 5, ठीक। अब आप मुझे बताइए कि भाई इसने बोला है, देखिए जब चैन स्नेचर को पुलिसकर्मी द्वारा पकड़ा जाता है तब चैन स्नेचर कितनी दूरी तय कर चुका होगा, तो मुझे बताइए ये हमारे हिसाब से कितनी ज्यादा दूरी कवर किया पुलिसकर्मी ने, देखिए पुलिसकर्मी ने यहां से यहां तक की 500 मीटर की तो ये कवर की है, और यहां से यहां तक की, ठीक है, यही तो ज्यादा कवर की है, और जबकि चैन स्नेचर ने केवल यहां से यहां तक की कवर की है, तो मेरे हिसाब से 2 ज्यादा कवर किया, बट सवाल के हिसाब से ये 500 है, ठीक है, तो 2 की वैल्यू 500 है और हमें चैन स्नेचर की निकालनी है, चैन स्नेचर की डिस्टेंस कितनी है, 1, तो 1 की वैल्यू निकालनी है, 2 की 500 तो 1 की कितनी हो जाएगी, 250, ये आपका आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन 4। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, जब एक नंबर को 7 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 4 बचता है, और जब उस नंबर के स्क्वेयर को
डिवाइड किया जाता है 7 से, तब रिमाइंडर कितना होगा? देखिए कितना इजी सा क्वेश्चन है। देखिए अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ, रिमाइंडर 4 बच रहा है। मैं कोई भी ऐसी संख्या ले लेता हूँ, 11 को अगर मैं 7 से भाग करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर 4 बचता है। ठीक, अब बोल रहा है कि इस नंबर का स्क्वेयर करके बताइए, तो यानी 121 को अगर मैं 7 से भाग करता हूँ तब रिमाइंडर कितना होगा? तो आप देख सकते हो क्लियरली कि 7 एकम 7 बचे 5 और 51 7 7 49, तो रिमाइंडर होगा आपका 2। ठीक है, ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है? ड्यूरिंग द ईयर गिवन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, देखिए आपसे डिफरेंस पूछा है, किस किस के बीच में जो मेन पॉइंट है उसको आप नोट करते चलिए, ध्यान रखते चलिए। डिफरेंस पूछा है किस किस के बीच में? द नंबर ऑफ द बिजनेस एनालिस्ट हु ज्वाइंड द ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए ये है बिजनेस एनालिस्ट और इसमें भी ये ज्वाइन करने वाले हैं, तो इनके बीच में डिफरेंस निकालना, और किस किस के बीच में? एक तो ये, एंड द टोटल नंबर ऑफ द सेल रिप्रेजेंटेटिव्स, तो ये रहे आपके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, और हु ज्वाइंड द ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें ये रहे ज्वाइंड। ठीक है, तो इनको जोड़ लीजिए, ये कितने बन गए? ये बनेगा आपका 8 3 11 और 2 13 और 7 20 की, देखिए इधर ही लिख देता हूँ, 20 की 0 हासिल का 2। ठीक है, और 8 से 14 14 7 21 और 4 25 और 6 31 और 2 33, 333। ठीक है, और दूसरे वाले का हम डिफरेंस लेते हैं, दूसरे वाले को लेते हैं जिनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस बाद में लेंगे। तो देखिए 6 और 8 14 4 18 और 2 20 की 0 हासिल का 2। ठीक है, और 5 और 4 9 और 3 12 और 3 15 और 2 17 और 2 19, 190 इनका डिफरेंस निकालना है। तो 0 और 13 में से 9 गए तो 4, 140 आपका आंसर होगा ऑप्शन 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है? कॉट बी आपको 9 गिवन है। तो देखिए इसका मतलब क्या है, अगर मैं आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के बताता हूं, तो कॉट बी हमें पता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 9 को, यानी 9/1 लिख सकते हो। तो यहाँ 9 यहाँ 1, तो 9 9 81 और 1 82, ये हो जाएगा अंडर रूट में 82। आपसे पूछा है सेक स्क्वायर बी, सेक भी होता है आपका हाइपोटेनस अपॉन में बेस, तो यानी कि सेक स्क्वायर ही निकाल लीजिए, सेक स्क्वायर बी, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो 82 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आ जाएगा, 82/81 आपका आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है? मान लीजिए ओ एक वृत्त का केंद्र है और पी वृत्त के बाहर एक बिंदु है, यदि पी ए भी वृत्त को एक छेदक है जो वृत्त को ए और बी पर काटता है, और पी टी पी से खींची गई एक स्पर्श रेखा है, पी टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, कैसे कर पाएंगे? देखिए मान लेते हैं ये एक सर्कल है, ठीक है, और किसी बिंदु बाहर पी से एक, यहां से इस तरीके से एक छेदक रेखा खींची गई है, ठीक है, ठीक है, और यहां से पी से ही एक स्पर्श रेखा खींची गई है पीटी, तो मैं ये खींच देता हूं एक स्पर्श रेखा, ये रही पीटी। ठीक, ठीक है, तो देखिए पी और ये ए और बी पर काटती है इसको, और ये पीटी है, आपसे पीटी पूछा है, पीटी स्क्वेयर। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कि, और देखिए हमें कुछ गिवन भी है, पी ए 3 गिवन है और ए बी हमें 9 गिवन है, तो ये हमें पता है। देखिए एक प्रॉपर्टी होती है पी ए इंटू में पी बी बराबर पी टी स्क्वेयर, ठीक है, इस केस में तो पी ए कितना है आपका 3 इंटू में पी बी टोटल 9 3 12 बराबर पी टी स्क्वेयर। ठीक, तो पी टी स्क्वेयर बराबर 36, तो पी टी की लेंथ आपसे पूछी है कितनी आ जाएगी? 6, ऑप्शन 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो, छोटी संख्या है कोई दिक्कत नहीं है, बट आप इसका कॉन्सेप्ट समझिए, ये 95 क्या है आपका? 100 माइनस में 5, और ये 105 क्या है? 100 प्लस में 5। ठीक है, तो ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी क्या होता है? ए की 2 माइनस में बी की 2, तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा, -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। ठीक है, तो लास्ट में आपका 75 आना है, तो आप क्लियरली मुंह जवानी कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं थी, ये आप कर सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है? एलसीएम है 2 नंबर्स का 120, देन नंबर्स आर 3:8 में द सम ऑफ द नंबर्स, देखिए सम इनका कितना बन रहा है? 11, आंसर मेरा 11 का मल्टीपल होगा, ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है, एक ही ऑप्शन है। ठीक है, बाकी आप कर सकते हो, देखिए आपको एलसीएम 120 गिवन है, 8 से 24 पंजे 120, ठीक है, 24 पंजे 120, तो 11 पन्ना 55 आप कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए आपको गिवन है कॉस एक्स माइनस में √3 sin x/2, आप क्या लिखेंगे इसको? ऐसे लिख सकते हो कि 1/2 इंटू में कॉस एक्स, ठीक है, माइनस में √3/2 इंटू में sin x, ठीक है, ठीक है,
अब आप मुझे एक चीज बताइए, कॉस में 1/2 कितने पर होता है? 60 पर। तो मैं इसको लिख सकता हूं कॉस 60 इंटू में कॉस एक्स, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। √3/2 साइन में कितने पर होता है? 60 पर। तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन 60 इंटू में साइन एक्स, ठीक है। अब मुझे बताइए कॉस ए कॉस बी माइनस में साइन ए साइन बी क्या होता है? आपका कॉस ए प्लस बी, तो यानी कि कॉस 60 प्लस में एक्स, ये मेरा आंसर हो जाएगा। आप देखिए पाई बाई 360 होता है, तो यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा है आपसे? फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। देखिए आप डायरेक्टली आप इसका क्यूब करके निकाल सकते हो, छोटी संख्या कोई दिक्कत नहीं है, बट आप फिर मैं वो एक चीज कहूंगा कि कॉन्सेप्ट समझिए इसके पीछे क्या है। कॉन्सेप्ट क्या है कि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब, ठीक है, आपसे पूछा है अगर आप ए प्लस बी प्लस सी करते हो, बार है प्लस में -8 प्लस में -4 तो 0, और जब भी हमें पता है कि ए प्लस बी प्लस में सी अगर 0 के बराबर होता है, तो हमारा जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में सी क्यूब होता है, ये 3ABC के बराबर होता है। ठीक है, तो आप कर दीजिए 3 गुना में ए कितना है 12 है, इंटू में बी कितना है 8 और सी कितना है 4। ठीक है, माइनस माइनस है ये, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो प्लस ही हो जाएंगे गुणा करते टाइम। तो देखिए 12 आपका, देखिए 8 चौक 32, 32 3 96, तो 96 गुना में 12, 12 6 72, हासिल का 7 12 9 160 और 115। ठीक है, तो 1152 आपका आंसर होगा, ऑप्शन दो। ठीक है, बाकी आप क्यूब करके भी डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? सपोज ABC ट्रायंगल है एक, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए पर 90 डिग्री बना रही है। तो ठीक है, बना लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ए बी और सी, ए पर 90 डिग्री है, ठीक है, और देखिए AD परपेंडिकुलर BC खींचा गया है, तो खींच देते हैं यहां से AD परपेंडिकुलर BC, ठीक, AD परपेंडिकुलर है BC पर, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का 80 है, इसके टोटल ट्रायंगल का एरिया हमें 80 गिवन है, ठीक है, तो और हमें BC 16 गिवन है, ये BC 16 गिवन है, ठीक है, देन द लेंथ ऑफ AD। अब देखिए कितना इजी हो गया, आप मुझे बताइए भाई ये यहां से परपेंडिकुलर है, ये हाइट है ट्रायंगल पर, इस ट्रायंगल पर ये, अगर मैं इस BC को बेस मानता हूं, तो मेरा बनेगा 1/2 परपेंडिकुलर, मेरे को निकालनी है AD इंटू में बेस कितने गिवन है 16, ये हो गया एरिया के बराबर, और एरिया मुझे गिवन है 80 के बराबर, तो 80 के बराबर रख दीजिए, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए कितना बन जाएगा, 2 से कटेगा 8 बार और 8 से कटेगा 10 बार, आंसर हो जाएगा मेरा 10, AD की वैल्यू 10 होगी, ऑप्शन 1। ठीक है, देखिए दोस्तों अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है चैनल को सब्सक्राइब करिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, मैं इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है कि शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस किस किस के बीच में बिटवीन द वेट्स ऑफ द बनाना एंड द ऑरेंज एट द फ्रूट शॉप। ये पूरी फ्रूट शॉप है जिसमें बनाना यानी कि 15% और ऑरेंज यानी कि 11%, इनका डिफरेंस कितना हो गया? डिफरेंस हो गया इनका 4। ठीक है, और आपको 4 की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो आपका टोटल जो 2500 है, ये 100% की वैल्यू है और आपको तो 4% की निकालनी है, बस इसको सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए आपका बन जाएगा 2 0 से 2 0, 25 1400, ठीक है, ये आंसर है 100 kg, ऑप्शन 2। ठीक है, तो दोस्तों आपके ये टोटल 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं सेट के। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारे कॉन्सेप्ट पसंद आए होंगे, ठीक है, आपको बहुत कुछ बेनिफिट मिला होगा। अगर आपको बेनिफिट मिला है तो आपका फर्ज बनता है कि शेयर करिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़िए। ठीक है, और चैनल को आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और लाइक का बटन जरूर प्रेस करना। ठीक है, और देखिए अगर आपको मेरे हर लेक्चर की PDF चाहिए इसी सॉल्यूशन के साथ में जो मैं आपको समझाता हूँ आपके बाद की रेफरेंस के लिए, तो आप ये टेलीग्राम चैनल है उसको आप उससे जुड़ सकते हो, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो चलिए बहुत जल्द अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।